आप जरा सारे पुलिस महकमे में ना जो तुम लोग मिले हो ना तुम लोग बताओ इनका भी छोड़ो छोड़ो नहीं सुनो सुनो आप छोड़ो नहीं किसी को आप लोगों ने आपके ना सुनो आप लोगों ने अपने अपने नाम दिखाओ क्या नाम मत छुपाओ साहब जी नाम 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 क्यों हटा लिया बैच नाम हटो साहब जी हम लोग कोई गलती नहीं साहब तुम कानून की रेड मारने वाले तुम लोग तुम चोर हो इसलिए ये भी चोर है चोर को लेके घूम रहे हो यहाँ पे भैया इनका ना इनका ऐसा जो लखनऊ कौन है हम नाम बताए अच्छा ऐसा है हम तो आप डालेंगे सीएम को ठीक है डालेंगे अपने होम मिनिस्टर को ये जाएगी रिकॉर्डिंग आज साहब जी हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं तुम अभी क्या धमकी दे रहे थे कि चलो सब रिकॉर्डिंग मत करो नहीं नहीं तुम्हारी सब जाएगी आज हाँ ठीक है कोई बात नहीं ऐसी तस्वीरें आज से पहले आपने कभी अपनी स्क्रीन पर नहीं देखी होगी जिस पुलिस को लेकर लोगों के बीच इज्जत होनी चाहिए वो पुलिस हाथ जोड़कर अपने परिवार की रहम की दुहाई क्यों मांग रही है इससे पहले कि आप कुछ और समझें तो आपको बता दें ये घटना ग्रेटर नोएडा की है तस्वीरों में बड़े ठाट बाट से बैठे इस शख्स का नाम है अनुभव मित्तल और बिल्कुल बगल में बैठे और पैर हिलाते ये है यूपी पुलिस के सिपाही आरोपी अनुभव मित्तल पर आरोप है कि उसने लोगों के साथ 3700 करोड़ से ज्यादा रुपए की धोखाधड़ी की है लेकिन फिर भी पुलिस इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है दरअसल फरीदाबाद स्थित कोर्ट में पेशी कराने के बाद पुलिस उन्हें दोबारा लखनऊ ले जा रही थी लेकिन इसी बीच पुलिस उन्हें सीधे रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां धोखाधड़ी खाए कुछ लोगों ने इनका वीडियो बना डाला स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि पुलिस ने अनुभव मित्तल की बीवी को ब्यूटी पार्लर भी भेजा है 7 लाख से ज्यादा लोगों के 3700 करोड़ की ठगी मामले में जो आरोपी था अनुभव मित्तल वो पुलिस के साथ पार्टी करता नजर आया जी हाँ ये ऐसा वाकया हुआ है नोएडा के इस अपार्टमेंट में आप देखिए मेरे पीछे जो ये अपार्टमेंट है आलिशान अपार्टमेंट है यहाँ पर एक क्लब है जहाँ पर आरोपी अनुभव मित्तल को देखा गया लखनऊ पुलिस के साथ इस तरह की बात सामने और बकायदा एक वीडियो लोगों ने बनाया दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर अनुभव मित्तल पुलिस के साथ आता है पुलिस की कस्टडी में होता है उसको पेशी के लिए पुलिस लेकर आती है और उसके बाद इसी रेस्टोरेंट में आके वो बैठा होता है और बकायदा पार्टी कर रहा होता है ये मामला सोमवार दोपहर का है इस पर 3700 करोड़ की ठगी के इल्ज़ाम है दरअसल एक सोशल ट्रेड नाम की कंपनी थी जिसने इसने सोशल ट्रेड नाम की कंपनी बनाई और लोगों की गाड़ी कमाई उसमें ली और उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था नोएडा पुलिस ने एसटीएफ ने और उसके बाद अभी तक जो है वो जेल में है लेकिन सवाल ये है कि पुलिस की कस्टडी में कैसे एक शख्स क्लब में बैठा हुआ है पार्टी कर रहा है बाकायदा वीडियो वायरल हुआ है तमाम सवाल खड़े हो गए वीडियो मीडिया में जारी होने के बाद आनंद फानन में पुलिस हरकत में आई और घोटालेबाज अनुभव मित्तल को ऐश कराने वाले 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है जिसमें 4 पुरुष और 2 महिला सिपाही शामिल हैं।